प्रीशा और रुद्राक्ष, आपके लिए तो मेरे बैकपैक में से निकल रहे हैं ये मैचिंग मास्क, इन्हें लेकर आ रही हूं मैं आपके लिए आपके सेट पर। क्या कहा? संभल कर, क्योंकि यहां फिर से कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। क्या है ये नया ट्विस्ट, आइए देखें। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते में प्रीशा और रुद्राक्ष का मिलन होते होते रह जाता है। अब देखिए ना, रूही को स्कूल जाना है और उसे देरी हो रही है कि तभी वहाँ आ जाते हैं रुद्राक्ष, जिस पर रूही अपनी नाराजगी जताती है। और जैसे ही रुद्राक्ष को आहट होती है प्रीशा के आने की, तो रुद्राक्ष वहाँ से निकल लेते हैं और फिर होती है प्रीशा की एंट्री। यानी दोनों के बीच अभी भी हिट एंड मिस का सिलसिला चल रहा है। अब देखना होगा कि रूही दोनों को कैसे मिलाएगी। तो प्रीशा भी थोड़ी मोर इंडिपेंडेंट एंड ज़्यादा वैसे रहने वाली, लेकिन अब दर्द सारा छुपा के अपने बच्चे के लिए तो उसको रहना ही है। और रूही के साथ प्रीशा का बॉन्ड बहुत अलग है, जिसकी वजह से प्रीशा का कैरेक्टर काफ़ी और और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है बना है, क्योंकि प्रीशा और रूही का बॉन्ड बहुत प्यारा है और दोनों की सिमिलैरिटीज़ बहुत है, लेकिन उसकी कुछ कुछ चीज़ें रुद्र जैसी भी है, जिससे रूही का कैरेक्टर और ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू। ऑन सेट तो नहीं, ऑब्वियसली ऑन सेट न्यू ईयर पे तो कोई आएगा ही नहीं, तो लेकिन मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस। हर न्यू ईयर पे मैं मोस्टली मेरे घर पे ही होती हूँ दिल्ली में, और हर न्यू ईयर पे हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में ही होती हूँ मैं 12 बजे, तो वही सबसे बेस्ट है। एक न्यू ईयर मेरा गया था मुंबई में, था नहीं कोई घर से, तो बहुत ही घटिया था वो, तो इस बार मैं दिल्ली जा रही हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बहुत सारे हैं सर, सोचने को तो बहुत सारे हैं। मेरा वर्कआउट काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है, तो मैं ये भी रख सकती हूँ कि नहीं मैं रोज़ वर्कआउट करूँगी अब, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती है, इसीलिए यार जो मन आता करो, ऐसा कोई रेजोल्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है, पता नहीं लग रहा है कि टाइम कहाँ जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ये साल बुरा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अब वापस ओमिक्रॉन आ गया, अब लोग बोल रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए धीरे धीरे, बिगड़नी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो विश तो अच्छे के लिए ही करना चाहिए, बट कुछ पता नहीं है फ्यूचर का, तो डार्क। व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहूँगी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सब जो भी नेगेटिविटी है इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल के न्यू ईयर की शुरुआत अच्छे से करेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, और हैप्पी न्यू ईयर एंड पार्टी हार्ड।